हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में सारी बातें जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, टॉन्सिलाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और तो और टॉन्सिलाइटिस का इलाज क्या है और कुछ घरेलू उपाय के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो हमारे गले के पार्ट में यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ गले के पार्ट में टॉन्सिल्स होते हैं। अगर उनमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाए तो टॉन्सिलाइटिस हुआ है ऐसा हम बोलेंगे। तो उसमें सूजन आने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से, अगर सूजन आ जाती है तो किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो टॉन्सिलाइटिस हुआ है ऐसा हम बोलेंगे। अगर सूजन आती है तो उस वजह से वहाँ पर दर्द होगा, कुछ चीज़ें निगलने में दिक्कत होगी, और तो और जो हमारे गले के पार्ट में जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और उसमें भी सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पर भी दर्द हो सकता है। साथ ही में गले में खराश रहती है, कभी कभी बुखार रहता है, ये सारे दिक्कत होती है। तो इसे ही हम टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। यहाँ पर आप इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स के इमेज देख सकते हो, इस तरह से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो उसमें रेड एंड स्वॉलन टॉन्सिल्स यानी कि जो टॉन्सिल्स हमारे होते हैं वो लाल हो जाते हैं और उसमें सूजन आ जाती है। वाइट और येलो कोटिंग और पैचेस ऑन द टॉन्सिल्स यानी कि टॉन्सिल्स के ऊपर सफ़ेद या तो फिर पीले कलर का पैच बन जाता है या तो फिर कोटिंग हो जाती है। गले में खराश रहती है और कुछ भी चीज़ें निगलने में हमें दिक्कत होती है, दर्द होता है, साथ में कभी कभी बुखार होता है। गले के पार्ट के जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी एनलार्ज हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। हमारी जो आवाज़ होती है वो स्क्रेची हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है। साथ ही में हमारी जो सांस में से बदबू आती है, कभी कभी पेट में भी दर्द रहता है, और हमारी जो नेक है, गर्दन है, वहाँ पर भी पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, और कभी कभी सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो एब्सेस हो सकता है। हमारा जो एब्सेस कहाँ हो सकता है, तो पेरी टॉन्सिलिनर एब्सेस हो सकता है, जो हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके आसपास कहीं पर भी एब्सेस हो सकता है। और दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर में क्या क्या होता है, तो रूमेटिक फीवर में हमारा जो हार्ट होता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके साथ में हमारे स्किन के ऊपर पैच बन जाते हैं। उसमें खुजली नहीं आती लेकिन वो पैच बन जाते हैं, मतलब गोल गोल निशाने से चकत्ते बन जाते हैं, और साथ ही में जॉइंट पेन होता है और बुखार आता है। तो ये रूमेटिक फीवर के सिम्टम्स थे, रूमेटिक फीवर हो सकता है। और उसका एक अगला कॉम्प्लिकेशन है वो है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में क्या होता है कि एक तो बुखार आता है, साथ ही में यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा गाल होता है, गाल और हमारे चेस्ट के पार्ट में लाल लाल चकत्ते बन सकते हैं, और हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर एक सफ़ेद कोटिंग बन जाता है। और अगला इसका कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। जो हमारी किडनी होती है, किडनी छोटे छोटे नेफ्रॉन्स से बनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो किडनी होती है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स से बनी होती है, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं जो कि हमारा जो ब्लड है उनको प्यूरीफाई करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है वो ग्लोमेरुलस। तो जो ग्लोमेरुलस है उनमें अगर कहीं पर इन्फ्लामेशन सूजन हो जाए, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है ऐसा हम बोल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो टॉन्सिलाइटिस में केस देखने को सामने आते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है बड़ों के मुकाबले, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है इसी वजह से। अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है 500 मिलीग्राम, जो कि ओडी डोज में दिया जाता है 3 से लेकर 5 दिन तक, इस तरह से। और एजिथ्रोमाइसिन अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी दिया जाता है, या तो फिर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे उसको प्रिवेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है।
और साथ ही में दर्द और सूजन को कम करने के लिए जीरोडोल एसपी दिया जाता है, जिसमें कंटेंट रहता है एसिक्लोफेनाक, सेरेटोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल। ये टेबलेट भी बीडी में दी जाती है खाना खाने के बाद इस तरह से। और साथ में अगर आपको बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए डोलो पैरासीटामोल दी जाती है 500 मिलीग्राम या तो फिर 650 मिलीग्राम। ये जब भी आपको बुखार आता है तब ये आपको लेने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही में इसमें गले में खराश रहती है तो इसमें स्ट्रेप्सिल लॉन्जिस आती है वो देते हैं। स्ट्रेप्सिल लॉन्जिस से जो हमारे गले में खराश है, सोर थ्रोट है, वो अच्छा हो जाता है। तो यही सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है, जैसे कि आपको रनी नोज है तो आपको सेट्रिजिन दी जाएगी, आपको कंजेशन है तो फिनाइलेफ्रिन और साथ में सूखी खांसी वगैरह है तो डेक्सट्रोमीथोरफिन, फिनाइलेफ्रिन और सीपीएम वाला कॉम्बिनेशन, इस तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या घरेलू नुस्खे होते हैं जो कि आप घर पर कर सकते हो, जिससे कि आपकी टॉन्सिल्स की जो समस्या है वो ठीक हो जाए। ज़्यादातर केसेस में 3 से लेकर 5 दिन या तो फिर 1 हफ्ते में आप अगर घर पर भी थोड़ा परहेज रखते हो, ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज़ करते हो, तो उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन कभी कभी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो घर पर आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको सोल्टेड वाटर का गार्गल करना है, यानी कि गर्म पानी करना है, उसमें नमक डालना है, थोड़ा सा अच्छे से हिला देना है और उसके गरारे करना है। इसके अलावा आप एंटी एलर्जिक और पेन मेडिकेशन ले सकते हो जो ओवर द काउंटर बिकती है, जैसे कि सेट्रिजिन वगैरह, पैरासीटामोल वगैरह आप घर पर ले सकते हो, जिससे कि दर्द कम होगा और जो एलर्जी के सिम्टम्स अगर साथ में है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। स्टीम एंड ह्यूमिडिटी, और इसका मतलब है कि आप स्टीम ले सकते हो, गर्म पानी करके उसकी भाप ले सकते हो, तो उससे भी टॉन्सिल्स में आराम मिलता है और आपको रेस्ट करना है। उसके अलावा आपको गुनगुने पानी में, गर्म पानी में हनी मिलाकर पीना है, शहद मिलाकर, या तो फिर आप नींबू मिलाकर आप पी सकते हो, और आप हर्बल टीज और सूप भी पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका टॉन्सिल से वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अगर टॉन्सिलाइटिस में ट्रीटमेंट से आराम ना मिलता हो और बार बार रिपीटेड टॉन्सिल्स होते हैं तो डॉक्टर्स उसमें सर्जरी सजेस्ट करते हैं, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। तो अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आपको ENT डॉक्टर को, जो कान नाक गले के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। तो यही सारी बातें होती है टॉन्सिलाइटिस में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नीचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।